जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नारा तो अच्छा है, लेकिन जब पढ़ाने वाले शिक्षक ही परेशान हैं, तो कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया। उत्तर प्रदेश का हाईटेक शहर कहलाए जाने वाला नोएडा के शिक्षा विभाग में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे। जहां छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी एसी की हवा ले रहे हैं, तो वहीं बच्चों का भविष्य बनाने वाले अध्यापक अपनी हवा खुद अपने हाथ से करने को मजबूर हैं, क्योंकि स्कूल में बिजली तक मवसर नहीं है। आखिर ये अध्यापक हाथों से हवा करने को क्यों मजबूर है, ये बड़ा चौंकाने वाला विषय है। दरअसल NPCL ने बिल जमा न करने के कारण गौतम बुद्ध नगर में करीब 145 स्कूलों की बिजली काट दी। बिजली विभाग आधे से ज्यादा स्कूलों के तो मीटर तक उखाड़ ले गए, क्योंकि शिक्षा विभाग ने बिजली विभाग का बिल ही कई वर्षों से जमा नहीं किया है। ये बिल करीब 5 करोड़ है, जिसको लेकर खींचतान जारी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ये ग्रेटर नोएडा के तुगलपुर प्राथमिक विद्यालय का नजारा है, जहां पर शिक्षक और शिक्षिका अपने हाथ से अपनी हवा कर रहे हैं और अपना कर्तव्य भी निभा रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी में भी शिक्षक अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। भीषण गर्मी के बावजूद भी गौतम बुद्ध नगर के शिक्षक बिना बिजली के 2 साल से यूं ही शिक्षा दे रहे हैं। मेरा नाम प्रवीण शर्मा है, मैं प्रधान अध्यापक हूँ प्राथमिक विद्यालय तुगलपुर में। और यहाँ पिछले एक वर्ष से, जब पिछले वर्ष सत्र स्टार्ट हुआ था, तभी से लाइट कटी हुई है। और स्थिति ये है कि हमने कई बार इसकी शिकायतें की थी। सबसे पहले हमने शिकायत NPCL ऑफिस में की थी अगस्त 2019 में। तभी से उसके बाद BSA ऑफिस में शिकायत की, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जी से, उसके बाद DM साहब से शिकायत की। हमारे साहब पास में सब लिखित प्रमाण हैं और पूरा वर्ष इसीलिए दौड़ते रहे, बच्चे भी गर्मी में मरते रहे। जाड़े में थोड़ा आराम रहता है कि लाइट की कम आवश्यकता होती है, ना कंप्यूटर चल पा रहे यहाँ के, ना कोई कागजी कार्रवाई हो पाई, बाहर से कराना पड़ता जो बहुत महंगा पड़ता है। बच्चे भी परेशान रहे, अध्यापक भी परेशान रहे। लाइट की ये व्यवस्था है कि बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना हम लोगों को उठाना पड़ता है। किस वजह को लेकर लाइट नहीं आ रही है, क्या वजह है इसमें? बिजली के बिल विभाग द्वारा जमा नहीं किए गए, जिसका खामियाजा अध्यापकों को और छात्रों को उठाना पड़ रहा। कब से नहीं जमा हुआ बिजली के बिल? बिजली के बिल मेरे विद्यालय का पिछले वर्ष जब निकलवाया था तो 1,28,000 था। ये काफी लंबे समय से विभाग ने, हमारे विभाग ने इसे जमा नहीं किया। जब अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारियों के पास गए तो उन्होंने कहा कि हमने वित्त नियंत्रक को चिट्ठी लिखी है, वहाँ से ग्रांट मंगा रहे हैं, तब NPCL को भुगतान करेंगे। मेघराज भाटी है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ प्राथमिक शिक्षण गौतम बुद्ध नगर से। और हमारे जनपद के अंदर लगभग 700 प्राथमिक विद्यालय और जूनियर उच्च प्राथमिक विद्यालय जिन्हें बोलते हैं वो स्थित हैं। हमारे जनपद के अंदर 2 तरह की बिजली सप्लाई है इस समय, एक UPCL द्वारा और कुछ क्षेत्र के अंदर NPCL द्वारा बिजली की सप्लाई दी जाती है। NPCL के अंतर्गत लगभग 145 विद्यालय आते हैं, उन विद्यालयों का जो बिजली का बिल था विभाग द्वारा जमा नहीं किया गया, इस कारण से उनकी बिजली काट दी गई, जिसमें लगभग 19 विद्यालयों के मीटर भी उखाड़ कर बोले गए हैं। अब इस समस्या को समय समय पर हमने अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और अपने जनपद के DM महोदय को अवगत करा दिया है, परंतु खेद का विषय है कि अभी तक भी हमारे जिला प्रशासन द्वारा इस विषय का समाधान नहीं कराया गया है। और बताया गया है कि बजट के लिए शासन में ये फाइल लंबित, इसका जो पूर्ण विवरण है वो विभाग दे सकता है। मुझे जैसा ज्ञात हुआ है लगभग 1 करोड़ रुपए में है जो हमारे विभाग पर इस समय बिजली का बिल उधारी दिखाया गया है। जो बिजली काटी करीब करीब लगभग 145 के आसपास हैं जिनकी बिजली काटी हुई है, जिसमें हमारे कुछ NPCL के हैं, कुछ UPCL के हैं, दोनों तरह के विद्यालय उसमें शिक्षा के कर्मचारी हैं, जितने हमारा अध्यापक वर्ग है, सभी जो जिला प्रशासन द्वारा निर्देश दिए जाते हैं और ख़ासकर आपदा के समय हम लोग उनका पालन करते हैं। अब ये सुविधा देना ये प्रशासन का काम है, हमारा काम है सुविधा मांगना। हम कार्य के लिए मना नहीं कर सकते, हम कार्य को पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन को इस बात का अवगत होना चाहिए कि हमारे लिए कम से कम मूलभूत सुविधा, जिनमें पानी है, बिजली है और सफाई कर्मचारी है। मैं इसके साथ आपको ये भी अवगत करा दूँ, हमारे जनपद के अंदर जब ग्राम पंचायत समाप्त की गई तो उसके साथ ही जो ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण और नोएडा के अंदर जितने गाँव आते थे उनके सफाई कर्मचारी हटा लिए गए। आज तक हमारे विद्यालयों में सफाई कर्मचारी नहीं आते, जो अलग अलग स्तर पर हम हमेशा उठाते रहते हैं, लेकिन सिर्फ कागजों में वो फाइल चलती रहती है, हमारे विद्यालय में कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता।
मैं इस संदर्भ में बताना चाहूँगा कि विद्युत विभाग का विभाग के ऊपर लगभग 5 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसमें 31 मार्च 2018 से पूर्व का लगभग 3 करोड़ 60 लाख रुपए का बकाया है और उसके बाद 1 अप्रैल 2018 से करंट तक का करीब करीब 1.5 करोड़ रुपया बकाया है। इसको लेके कई विद्यालयों में विद्युत काटी गई है, विद्युत विभाग से मेरी बात भी हुई थी और इस संबंध में विद्युत विभाग द्वारा भी शासन को पत्र लिखा गया इसकी डिमांड के लिए और मेरे द्वारा भी लिखा गया है। शासन स्तर पर मेरी SPD सर से बात हुई थी इस संबंध में तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि 1 अप्रैल 2018 से जो पंचायतें हैं वो इसका भुगतान करेंगी। इसके लिए DM सर की अध्यक्षता में एक बैठक होनी है पंचायतों के लिए, लेकिन वो 1 अप्रैल 2018 के बाद के लिए है, इससे पूर्व के लिए पत्र लिखा गया है, डिमांड की गई है, जैसे ही आ जाएगा इनका भुगतान करा दिया जाएगा। गर्मी में बेहाल ये शिक्षक बिना पंखे के एक हाथ से हवा कर रहे हैं तो वहीं दूसरे हाथ से अपने कार्य का निर्वाह कर रहे हैं। दो विभागों की कारगुजारी में बेचारे ये अध्यापक पिस रहे हैं। आखिर करें तो क्या करें, ये सवाल अभी तक गौतम बुद्ध नगर के शिक्षा विभाग पर बना हुआ है। वहीं NPCL का कोई भी अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कई बार NPCL के वाइस प्रेसिडेंट सारनाथ गांगुली से संपर्क साधा गया है लेकिन वो इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बच्चों का भविष्य यानी देश का भविष्य तैयार करने वाले शिक्षक जो कि बच्चों को शिक्षा देते हैं और उन्हें बड़े मुकाम तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिले के छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक हर अधिकारी AC के कमरे में बैठकर अपने जीवन का लुत्फ उठा रहे हैं और जो अधिकारी आज उस कुर्सी पर उन शिक्षक की वजह से बैठा है आज उन्हीं शिक्षकों के लिए गौतम बुद्ध नगर के विद्यालयों में ना ही तो पंखे चल रहे हैं और ना ही लाइट जल रही है। आखिर काम किया जाए तो कैसे। दरअसल पूरा माजरा ये है कि गौतम बुद्ध नगर के ये 145 स्कूल में NPCL बिजली आपूर्ति करता है लेकिन इनका बिल पिछले करीब 2 वर्ष से शिक्षा विभाग ने जमा नहीं किया है। ये बिजली बिल करीब 5 करोड़ रुपए का स्कूलों पर बकाया है। कई बार NPCL द्वारा नोटिस दिया गया लेकिन उसके बावजूद भी बिजली विभाग ने कोई बिल जमा नहीं किया तो मजबूरन NPCL ने कड़ा कदम उठाया और 145 स्कूलों की बिजली काट दी। वो यहाँ भी नहीं रुके और आधे से ज्यादा स्कूलों के तो मीटर तक उखाड़ ले गए। चैनल की जांच पड़ताल के बाद जब हमने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी धीरेंद्र कुमार से इस मामले को लेकर वार्ता की तो उन्होंने बताया कि शासन को कई बार उनके द्वारा पत्र लिखा गया है लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। दरअसल स्कूलों को ग्राम पंचायत व नगर पंचायत के अंडर किया गया था जो कि बिल वो ही जमा करते थे लेकिन यहाँ पर ग्राम पंचायत नहीं है, यहाँ अथॉरिटी है तो बिल अथॉरिटी को जमा करना होगा लेकिन इसके लिए शासन से आदेश आएगा। शासन को इस विषय पर अवगत करा चुके हैं और पत्राचार भी कर चुके हैं, जल्द समस्या का समाधान होगा। विभाग के आपसी विवाद का दंड बेचारे अध्यापक भुगत रहे हैं। बिजली के बिल जमा न होने के चलते शिक्षक इस गर्मी में परेशान हैं और इनका हाल बेहाल है लेकिन सवाल आखिर खड़ा होता है तो शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों पर या शिक्षा का दावा करने वाली सूबे की सरकार पर। हाल फिलहाल अधिकारियों ने तो शासन की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया है लेकिन क्या ये शिक्षक हाईटेक गौतम बुद्ध नगर में यूं ही बिना बिजली के बच्चों को शिक्षा देते रहेंगे या फिर इस पर विभाग कोई सुनवाई करेगा, ये सवाल ज्यों का त्यों बना हुआ है। हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ भूपेश प्रताप, ग्रेटर नोएडा, Time 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।